जहां एक तरफ जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसी कंट्रीज सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही हैं, वहीं हिंदुस्तान दुर्गा पूजा फेस्टिवल के बाद में अब दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस के फेस्टिवल्स की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, ये वक्त हमें त्यौहार मनाने का नहीं है, ये वक्त हमारा है घर में बैठ के अपने फैमिली को सेफ रखने का। दोस्तों, इतिहास गवाह है, 1917 में स्पेनिश फ्लू के सेकेंड फेज में ही करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। अब तक कोरोना वायरस का ना ही कोई वैक्सीन निकला है और ना ही कोई प्रॉपर इलाज। इसीलिए अगर आपका कोई बहुत ही ज़रूरी काम ना हो तो अभी भी आप घर से बाहर ना निकले। जहां एक तरफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने ये मान लिया कि पुलवामा में अटैक उन लोगों ने करवाया था और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में इमरान खान और जनरल बाजवा के पांव थर थर काँप रहे थे, वहीं हिंदुस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस अभी भी पुलवामा अटैक की डिटेल्स मांग रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। जहां पर कुछ पॉलिटिशियन ने यह भी कहा कि हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। दोस्तों, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए और हिंदुस्तान को जैसे लोगों की जरूरत है वैसे ही लोग हमें हिंदुस्तान में चाहिए, इंडिया में चाहिए, क्योंकि इंडिया अब बढ़ रहा है, सुपर पावर की तरफ हुआ है। चलिए अब एक आपको खबर सुनाते हैं जहां पर 3 साल की बच्ची को किडनैप किया गया और रेलवे पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा प्लानिंग किया गया जहां पर ट्रेन को नॉन स्टॉप 260 किलोमीटर की स्पीड से चलाया गया और जब तक ना रोका गया तब तक कि भोपाल की पुलिस वहां पर मुस्तैदी की तरह तैयार ना हो गई और इस कारण से नॉन स्टॉप ट्रेन को रखा गया ताकि वो किडनैपर कहीं उतर ना सके। और जैसे ही भोपाल स्टेशन पर वो उतरा और उसे धर दबोचा गया और उसे पकड़ा गया, तो रेलवे पुलिस की इस कामयाबी पर उनको ग्रैंड सैल्यूट। दोस्तों, इसी के बीच में एक दुख खबरी आ रही है। शीन कॉनरी, जो कि जेम्स बॉन्ड के पहले हीरो थे, वो अब नहीं रहे और उनका ये जो अंदाज है, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, हमेशा याद रहेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इस प्रकार की बहुत सारी न्यूज़ को लेकर आ रहे हैं हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स। इसके बीच में खुशखबरी ये है कि अब चाहे कोई भी हिंदुस्तानी कहीं से भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे ज़मीन खरीद सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हफ्तेवार समाचार के सिलसिले को जारी रखते हुए और देखते हैं हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स क्या अलग अलग न्यूज़ लेकर आए हैं। तब तक आप खुश रहें और सेफ रहें और मास्क पहने। और आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वर्ल्ड न्यूज़, इंडिया न्यूज़ और स्पोर्ट्स अपडेट की तरफ। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले खबर हैदराबाद से। सड़कों पर केंद्रीय मीडिया कर्मियों के जल भराव को रोकने के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम शहर में कुछ निश्चित मध्यस्थों के साथ तूफानी पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। हाल ही की तरह भारी बारिश के दौरान केंद्रीय मध्यस्थों के जल भराव को लेकर MAUD मंत्री KT रामाराव द्वारा किए गए अवलोकन के आधार पर यह परियोजना शुरू की जा रही है। अगली खबर पुणे से। PMC ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रावधान के बावजूद समिति की बैठकों में शामिल नहीं होने के कई प्रमुख विभागों के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद ऑनलाइन बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं। अगली खबर मोहाली पंजाब से। जिले में स्टबल बर्निंग की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए रैपिड रिस्पांस टीम्स और ग्राम स्तर के नोडल अधिकारियों ने पाया है कि मोहाली पंजाब में कुल खेतों का 50% स्टबल बर्निंग के अधीन है और 35 किसानों को 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। डोंबिविली के एक 2 मंजिले इमारत के गिर जाने से उनमें रहने वाले 75 लोगों की मौत हो सकती थी।
लेकिन कुनाल मोइते नाम के एक युवक ने उन सभी की जान बचाई। कुनाल मोइते भोर तक वेब सीरीज देख रहे थे और लोगों को सूचित कर दिया, जिस वजह से उन सब की जान बच गई। अगली खबर मुंबई से। सिविक बॉडी ने कहा कि बृहन मुंबई नगर निगम ने इस साल अप्रैल और अक्टूबर के बीच फेस मास्क मानदंडों के 1,60,000 से अधिक उल्लंघन के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, यह सब कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय द्वारा दिशा निर्देश का हिस्सा है। दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट अपना 222वां T20 मैच खेलने के बाद मुंबई इंडियंस अब बन चुकी है विश्व में सबसे ज्यादा T20 मैचेस खेलने वाली टीम। रोहित शर्मा की इंजरी को मद्देनजर रखते हुए BCCI बहुत ही जल्द हमें ये बताएगी कि वह ऑस्ट्रेलियन टूर में हमारा साथ देंगे या नहीं। सभी रोनाल्डो फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 19 दिनों के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो फाइनली पाए गए हैं कोरोना नेगेटिव। AB डिविलियर्स ने हाल ही में अपना एक नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया है जिसका नाम है द फ्लेम। इस म्यूजिक एल्बम में उनके साथ विराट कोहली और चहल भी फीचर हुए। फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना बल्ला फेंकने के लिए क्रिस गेल पर अपने मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है। फिलीपीन के अधिकारियों ने शनिवार को मेन लूजॉन आइलैंड के दक्षिणी विभाग में हजारों निवासियों को निकालने का आदेश दिया, क्योंकि 5 श्रेणी का तूफान, जो कि इस साल दुनिया का सबसे मजबूत तूफान है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की तरफ आ रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन ने 12 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं में अपने एक्सपेरिमेंटल COVID-19 वैक्सीन का परीक्षण जल्द से जल्द शुरू करने की योजना बनाई है। क्वींसलैंड को टेनिस बॉल के आकार के ओलों का सामना करना पड़ा। एक चेतावनी के साथ राज्य के दक्षिण पूर्व में खतरनाक सुपरसेल थंडर स्टॉर्म्स रेस की एक श्रृंखला के रूप में गिरने की संभावना है। रूस में एक पैदल यात्री एक दुर्घटना में 2 बार मौत से बच गए, जिसमें 2 कारों की टक्कर और एक गिरते हुए लैंप पोस्ट शामिल थे। द यूनाइटेड स्टेट्स ने शुक्रवार को एक एकल 24 घंटे की अवधि में पुष्टि की कोरोना वायरस मामलों के लिए एक नया रिकॉर्ड सेट किया। एक दिन पहले दर्ज किए गए कुल 91,000 के रिकॉर्ड को पार करने के लिए 1,00,000 से अधिक नए संक्रमणों की रिपोर्टिंग की।